Good morning friends. So in our series of answer writing initiative, today is the day 3, and we have taken a question from paper 2, or it may be from paper 3. If you talk about a political sense of this question, it can become under the paper 2. While if you talk about the economic sense of this question, it can become under paper 3, that is economy part. So the question of today is: the code on labor wages. Your labor wages per code recently. The code on labor wages is a mere consolidation of laws and suffers from inbuilt defects. So it is kind of criticizing the question. So discuss. It is of 200 marks. So let's start and we can see how we can write a good answer. Okay, so let's begin. So if you look at the question, the question is having a question tag of discuss. This should be kept in mind. At the beginning, only the question tag is discuss. Now, going by our philosophy of writing introductions, we have two methods. That is, first one is either you can write a static introduction or you can write a dynamic kind of introduction that is from your current affairs. But this question, we all know that it's even. इट्स एल्फ गिविंग दैट क्वेश्चन दैट इट इज अ करेंट इवेंट हैपन इन द रिसेंट टाइम अभी रिसेंटली में आया तो, तो करंट खुद ने क्वेश्चन मैं अपने आप ही दे दिया है स्टेटिक वी कैन ऑल्सो डोंट हैव मच लग्जरी टू राइट एनीथिंग सो वी आर नाउ इनिशिएटिंग अ थर्ड आस्पेक्ट ऑफ राइटिंग वॉट इंट्रोडक्शंस एंड दैट इज एम और परपज वॉट वॉज द एम और पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ थिंग सो वॉट वॉज द पर्पज और एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कोड ऑन लेबर वेजिस दिस फॉर्म्स अ मोर एप्ट थीम ऑफ आवर इंट्रोडक्शन सो वी विल ट्राई टू राइट टू थ्री लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन द एम सो वी कैन राइट दैट इन ऑर्डर टू सीक ठीक है बॉट इन ऑर्डर टू सीक यूनिफॉर्मिटी देखो की वर्ड्स क्या क्या होंगे यूनिफॉर्मिटी को सीक करने के लिए बिकॉज वी नो दैट देअ मेनी लेबर लॉज अराउंड फोर्टी फोर सेंट्रल लेबर लॉज ही थे ठीक है तो पहली चीज क्यों रिक्वायरमेंट थी कि भैया पहले तो यूनिफॉर्मिटी आ जाए लेबर लॉज के अंदर फिर दूसरा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट सीक्स वॉट टू एंश्योर दैट देर इज राइट टू सस्टेनेंस फॉर एवरी वर्कर फॉर एवरी वर्कर ठीक है तो ऑफ कोर्स गोइंग बाय द फिलोसोफी ऑफ डी पी एस पी वी सीक टू इंश्योर अ राइट टू सस्टेनेंस फॉर एवरी वर्कर ठीक है अब ये राइट टू सस्टेनेंस की बात क्यों गही गही कही गई है इसलिए कही गई है बिकॉज आवर इकोनॉमी इज प्राइमरली अ इनफॉर्मल इकोनॉमी जो नाइन्टी थ्री परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन है कंट्री की दैट इज अंडर इनफॉर्मल सेक्टर तो उनका सस्टेनेंस उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो इनफॉर्मल सेक्टर में तो इसके लिए क्या है कि ये कोड ऑन लेबर वेजेस लाया गया है तो वी कैन राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट इज इन ऑर्डर टू सीक यूनिफॉर्मिटी एंड टू एंश्योर राइट टू सस्टेंस फॉर एवरी वर्कर इन अ इकोनॉमी वेयर नाइंटी थ्री परसेंट ऑफ द वर्क फोर्स एम एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर द कोड ऑन लेबर वेजेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड तो दिस इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन विच कैन फैच अस गुड मार्क्स सो मूविंग अहेड वी कैन सी और वी कैन ब्रीफली राइट द डिफरेंट Provisions of it, okay. So what are the provisions of this act? Okay. So we need to write it very briefly, just to let us let the examiner know that we know about this code. Okay. So what we can suggest is we can write first that it subsumes what it subsumes these four labor laws. That is Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Payment of Bonus Act, and Equal Remuneration Act. दिस इज द फर्स्ट मेन प्रोविजन अनादर मेन प्रोविजन विच वॉज इंपॉर्टेंट वॉज कि इट सेट्स ये सेट्स करता है नेशनल फ्लोर वेज रेट ठीक है ये सेट करता है अभी कितने पे सेट करता है इट सेट एट रुपीज वन सेवेंटी एट रुपीज पर डे एक वन सेवेंटी एट रुपीज पर डे हर वर्कर को मिनिमम तो मिलना ही चाहिए दिस इज एट द फ्लोर ठीक है ये सेट करते हैं और ये सेट कितने टाइम के लिए करते हैं फॉर द ईयर फाइव पाँच साल के लिए प्रोविज़न इन्होंने सेट करने का इसमें प्रस्ताव रखा है अब इसके बाद जब ये पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर देन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट केम विद क्रिटिसिजम्स इशूज एंड ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड अब हम देखते हैं वन बाय वन की क्या क्या लिमिटेशंस थीं पहली लिमिटेशंस जो आ रही हैं और दिस इज़ द बॉडी पार्ट ये सबसे हमारा मेन पोर्शन होगा ठीक है जो पहली लिमिटेशन तो इसमें बताई जा रही है कि द इशू इज़ कि जो सेंटर ने हमारे पास फ्लोर वेज रखा है और फ्लोर वेज कितना रखा है वन सेवेंटी एट रुपीज़ पर डे के हिसाब से ठीक है नाउ दिस इज़ द मिनिमम बट मान लो कोई स्टेट है लेट सपोज स्टेट एक्स ठीक है इसके यहाँ पर मिनिमम वेज कितना चल रहा था टू हंड्रेड टेन ठीक है तो ऑफकॉर्स ये बात है कि ये इससे बियॉन्ड वन सेवेंटी एट से नीचे तो कर ही नहीं सकता है किसी भी हालत में बट अंडर द कोड ये भी एक प्रोविजन है कि अगर किसी का जो मिनिमम वेज है वो फ्लोर रेट से ऊपर है तो वो उसको रिड्यूस भी नहीं कर सकता कांट रिड्यूस ठीक है इसको रिड्यूस नहीं कर सकता तो अब इशू क्या हो जाएगा कि भैया सेंट्रल मिनिमम वेज तो कम हो रहा है ठीक है और आपका वेज क्या ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या कभी उसको कम नहीं कर पाओगे ये एक प्रोविजन है इसमें इट माइट ब्यू टू पॉलिटिकल रीजन्स द गवर्नमेंट हैज डन सच काइंड ऑफ स्टेप ठीक है अब इससे हो क्या रहा है कि वी वर ट्राइंग टू स्टैब्लिश यूनिफॉर्मिटी इन द लेबर लॉज एंड इन द वेजेस थिंग बट अब इसमें हो क्या गया कि वी गॉट टू रेट्स एक रेट ये हो गई एक रेट ये हो गई अब वाई स्टेट का कुछ अलग होगा जेड स्टेट का कुछ अलग होगा ठीक है तो ये इशू आ रहा है तो अब हो क्या गया अगेन वी गॉट रेट्स दो रेट्स कौन कौन सी आ गई ठीक है एक आ गई हमारे पास बाइंडिंग फ्लोर वेज और एक आ गई हमारे पास नॉन बाइंडिंग मिनिमम वेरिंग इन द स्टेट्स आस्पेक्ट जो टाइम और स्पेस के अंदर वेरी करेगी सिक्किम का अलग हो सकता है बिहार का अलग हो सकता है महाराष्ट्र का अलग हो सकता है तो ये इशू हो गया थे फोर करना क्या चीज है यहां पर एक यूनिफॉर्म वेज रेट होनी चाहिए थी ठीक है जो यहाँ पर नहीं आई है हमारे पास तो पहला इशू हो गया तो दिस इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो जो इसमें रेट डिसाइड करी गई है 178 सेवेंटी एट अर्लियर जो रेट थी वो क्या थी 176 सेवेंटी सिक्स सो इट इज़ जस्ट अ बोनस ऑफ टू रुपीज वेयर एज द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज सेटअप फॉर रिव्यूइंग द कोड ऑन वेजिस सजेस्टेड दैट इट शुड बी अराउंड थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज ये किसने किया था सतपति कमेटी ने सतपति कमेटी रिकमेंडेड अराउंड थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज़ पर डे और इससे भी भयंकर ठीक है हमारे पास एक नेशनल मिनिमम वेजेस कमीशन बनाई गई थी उसने कितना रिकमेंड किया था सात सौ रुपये पर डे तो वी कैन सी द अमाउंट इज़ वेरी मिनसक्यूल वे बहुत कम है एज रिस्पेक्ट टू द रिकमेंडेशन गिवन बाय द डिफरेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस तो ये दो इशूज़ इसके अंदर बहुत प्रोमिनंटली निकल के आ रहे हैं थर्ड इशू अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि टाइम लिमिट सेट की गई है कितना है फाइव इयर्स अब पहले क्या था कि ये जो टाइम लिमिट थी ठीक है ये फ्लेक्सिबल थी स्टेट्स के लिए कि स्टेट्स मैक्सिमम फाइव ईयर के बाद तो चेंज करना ही करना है बट अगर उससे पहले स्टेट्स को लगता है कि दे कैन चेंज बियॉन्ड और बिलो फाइव ईयर्स दे कैन ऑल्सो चेंज तो फ्लेक्सिबिलिटी थी उसके अंदर अब इस फ्लेक्सिबिलिटी से हेल्प क्या मिलती है कि मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया ठीक है इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया तो क्या है कि यू कैन चेंज द रेट एज पर द इन्फ्लेशन ट्रेंड्स ठीक है मान लो महंगाई ज़्यादा हो गई तो वेज रेट आपको बढ़ानी पड़ेगी मगर नाउ देर इज़ नो सच प्रोविजन इट्स अ फिक्स टर्म ऑफ फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स के पहले यू कैन नॉट रिड्यूस और इंक्रीज द फ्लोर मीन्स द मिनिमम वेज ओके सो दीज आर थ्री प्रोमिनेंट इशूज अगर हम आगे बढ़ें तो और जो इशूज़ हमारे सामने आ रहे हैं निकल के वो ये हैं कि जो इक्वल रेम्यूनोरेशन एक्ट था ठीक है डी पॉइंट हमारा ये जो इक्वल रेमुनरेशन एक्ट था इक्वल रेमुनरेशन एक्ट ये क्या बोलता था नॉन डिस्क्रिमिनेशन ठीक नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स ठीक है विद रिस्पेक्ट टू बोथ बोथ में क्या क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट प्लस एट द सेम टाइम विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट ठीक है मगर जो हमारा कोड ऑन लेबर वेजेस है जो रिसेंट वाला है ये पेमेंट पे तो क्या है बोलता है कि देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बट इट इज़ साइलेंट ऑन द आस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ठीक है तो ये एक और इशू हो गया हमारे पास फॉर विच डिफरेंट स्कूल्स एंड डिफरेंट एक्टिविस्ट वर क्रिटिसाइजिंग इट अगर हम नेक्स्ट चलें तो इसके ऊपर ई जो पॉइंट आता है हमारे पास वो है कि इसमें क्या है देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ इंस्पेक्शन स्कीम एक इंस्पेक्शन स्कीम का गठन किया है इसके अंदर ठीक है एक प्रोविज़न रखा है इंस्पेक्शन स्कीम का अब इस इंस्पेक्शन स्कीम के अंदर क्या है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी ठीक है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी ठीक है जो कि क्या है कि इंस्पेक्शंस करेगी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ का ठीक है और वहाँ पर चेक करेगी आर देर एनी इरेगुलरिटीज विच आर बीन प्रैक्टिसड बट जो नेचर है इस कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी का ये कैसा है एग्जीक्यूटिव है ये जुडिशल नहीं है ठीक है और काम इसको कैसे दे दिया है जुडिशल ठीक है एग्जीक्यूटिव क्यों है क्योंकि इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ठीक है पर इसका वर्क नेचर कैसा रहेगा जुडिशल तो हो क्या रहा है कि इट कॉन्ट्रावेंट्स और इट इज़ इन कॉन्फनट्रेशन विद द फिलोसफी ऑफ आर्टिकल फिफ्टी ठीक है आर्टिकल फिफ्टी की जो फिलोसफी है दैट देयर शुड बी अ आइसोलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या रहना चाहिए आइसोलेशन रहना चाहिए जो हमारा डी पी एस पी बोलता है हमें तो ये इसमें वापस क्या है कि ईशू हो गया ऑल्सो एट द सेम टाइम जो कंपनी अथॉरिटी है इसके लिए कोई क्वालिफिकेशनस और कोई एक्सपीरियंसिस कुछ भी प्रस्क्राइब नहीं किए गए हैं तो ये हो गया ई पॉइंट अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास कि देर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ आर्बिट्री ठीक है आर्बिट्रे डिडक्शन ऑफ वेजेस मीन्स टू से कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आर्बिट्री क्या है वेजेस को डिड्यूस कर सकते हैं किस किस केसेस के अंदर इन केसेस ऑफ़ परफॉर्मेंस इन केसेस ऑफ डैमेज इन केसेस ऑफ लॉस डन टू द कंपनी ठीक है अब ये परसेंटेज कितना हो सकता है डिडक्शन का इट कैन गो अप टिल फिफ्टी परसेंट ठीक है तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ड्रेकोनियन काइंड ऑफ थिंग विच इज़ डन टू द वर्क फोर्स इन्वॉल्व ठीक है इसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं है एक और जो बात आ रही है हमारे पास कि जो पीनल प्रोविजन्स रखे गए हैं पीनल प्रोविजन्स जो हैं एक्ट के अंदर दे आर नॉट एक्टिंग एज ए डिटरेंट वो डिटरेंट की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं फॉर द एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स उससे डर नहीं रहे हैं क्यों क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉयर्स ड्यू डिलीजेंस फॉलो करते हैं ड्यू डिलीजेंस का मतलब वो सारे फॉर्मल प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं और कुछ वर्कर की अवेयरनेस के लाइक के चक्कर में वर्कर मान लो एल इन्फॉर्म्ड हैं ठीक है उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया मगर क्या है कि एम्प्लॉयर ने पूरा ड्यू डिलीजेंस कर रखा है तो एम्प्लॉयर के ऊपर कोई पीनल प्रोविजंस का प्रोविजन नहीं लगेगा मगर देर में भी सिनेरियो मैनी टाइम्स वी सी कि वर्कर्स के पास अवेयरनेस नहीं होती एजुकेशन नहीं होती लिटरेसी नहीं होती ऑफ देयर राइट्स एंड द लीगल मेजर्स दे कैन टेक तो इसमें कौन फिर विक्टम बन रहा अगेन वर्कर्स तो दीज आर मेन इश्यूज विच आर देयर इन कोड ऑन लेबर वेजेस तो ये हमारे पास इश्यूज थे इसमें पॉजिटिव भी हैं बट क्वेश्चन इज़ एक्चुअली इन वेरी नेगेटिव टोन सो हमें ईश्यू ही डिस्कस करने हैं अगर हम चाहते हैं तो वी कैन ब्रीफली राइट आफ्टर डिस्कसिंग दीज नेगेटिव कि इसमें प्रॉब्लम से हमें क्या प्रॉफिट्स क्या क्या हो सकते हैं इस कोड से कि फॉर्मोलाइजेशन होगा इकनॉमी का ठीक है एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है सोशल जस्टिस बढ़ेगा ठीक है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगी तो ये हमारे पास क्या है सारे कि सारे पॉजिटिव्स इससे जो एक्ट से मिल सकते हैं ठीक है मल्टीप्ली मल्टीप्लीसिटी ऑफ लॉस था जो अब क्या हो गया यूनिफॉर्म हो गया है काफ़ी हद तक तो ये इसका क्वेश्चन का मेन बॉडी रहेगा बट पॉजिटिव वी जस्ट नीड टू मैंशन एंड वी जस्ट नीड टू मूव अहेड टू आवर कंक्लूजन पार्ट अब जो फोर्थ पार्ट है वो कंक्लूजन है तो कंक्लूजन में वी कैन से दैट देर इज अ नीड टू प्लग दीज लूप होल्स ठीक है विच आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स बिकॉज ये लाया क्यों गया था ठीक है टू इंश्योर द राइट टू सस्टेनेंस टू एवरी वर्कर और जहां जहां प्रोविजंस के अंदर वो सस्टेनेंस पे अगर देर इज अ डेंजर देन उन लूप होल्स को क्या है कि फिक्स करना चाहिए एट द सेम टाइम इन लॉन्ग टर्म ठीक है इन लॉन्ग टर्म द गवर्नमेंट शुड थिंक इन मूविंग टूवर्ड्स अ नीड बेस्ड वॉट अ नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस ठीक है नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस पे हमें जाना चाहिए अब नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती जा है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन एल्डरली पॉपुलेशन को किस तरीके से केटर करना है उसको देखते हुए हम इस पर नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस वाली फ़िलोसफी के पास जा सकते हैं ठीक है एट द सेम टाइम एक और प्रोविजन क्या किया जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम गारंटी कर दें क्या कि मिनिमम वेजेस शुड बी ट्रीटेड एज अ फंडामेंटल राइट सो दीज आर जस्ट सम कॉमन कंक्लूजन्स वी कैन राइट इन मोस्ट ऑफ द पॉलिटी और पेपर टू आंसर्स तो ये एक मोटा मोटा डिस्कशन था ओके सो द डिस्कशन वॉज कि कोड ऑन वेजिस हैं वो कैसा है तो so हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया कि उसका एम क्या था ठीक है एंड देट वॉज वेरी अप्रोप्रिएट ऑन आवर पार्ट फिर उसके बाद जब बॉडी पे आए टू वी डिस्कस द इश्यूज बिकॉज द क्वेश्चन इज हैविंग अ नेगेटिव टोन ठीक है क्वेश्चन अपने आप बता रहा है कि नेगेटिव टोन है उसके बाद हमने ऐसा नहीं है कि हंड्रेड परसेंट वो नेगेटिव ही है उससे कुछ पॉजिटिव्स भी हैं तो पॉजिटिव्स को वी जस्ट नीड टू मेंशन बिकॉज द क्वेश्चन इज हैविंग अ नेगेटिव अंडर टोन विच इज नीड्स टू बी डिस्कस्ड प्रॉपरली विद एग्जाम्पल्स एंड देन इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन गेम एन ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन बाय इन्वोकिंग द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द क्वेश्चन इज मोर क्लोजर टुवर्ड्स पेपर टू एंड पॉलिटी आस्पेक्ट्स सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ गुड आंसर And if you try to incul inculcate these uh, points, we, we can easily get around 50 to 60% marks in our paper. So, this was the discussion for today. And we will upload this on our channel and with a model answer. So, try to subscribe to IS Network and also join the Telegram channel of IES Network. Thank you and have a nice day.